आ गया आ गया आ गया, खेल लग गया भाई, विक्रम दागा टूट गया ये लिटन दागा, देखा इधर से लगा है ना, मार दे हमारे। क्या हो गया, क्या हो गया भाई, लग्जरी रेस्टोरेंट है भाई हमारा। एम था कि हम शिवसागर तक पहुंच पाए जैसे भी करके, लेकिन पहुंच नहीं पाए, अंधेरा हो गया था, इसलिए कल रात हम लोगों ने फिर स्टे कर लिया जोरहाट में। तो आज निकलेंगे यहाँ से रोइंग, रोइंग यहाँ से आपका लगभग 280 किलोमीटर है, उतना तो हमें कवर करना है जैसे भी करके। और देख सकते कल रात का हम लोग यहीं पर हाईवे के सामने एक रिजॉर्ट में, ये वाला रिजॉर्ट में स्टे किया रात को, और बिल्कुल अंदर हमारा बाइक पार्क किया हुआ है सब करके, देख सकते हैं, ये देख सकते सबका बाइक पार्क किया हुआ इधर। तो सब अपना लगेज पैक कर रहे हैं, लगेज वगैरह पैक करके निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो वही बात सेम हो गया कि कल भी इतना रात हो गया था, आज भी रात हो जाएगा, फिर वहाँ पे हम लोगों का रास्ता क्या है कैसा है पता नहीं है, या तो फिर हाईवे था, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलेंगे। और हमारे एक्स आर्मी को देख सकते ही कहाँ से लिया गुड्डी ना, रूम का हालत देख सकते हैं, सारा का सारा सामान इधर उधर, और सब लोग हम लोग यहीं पे सोए थे कल रात को, एक इधर सबके सब इधर। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं, बहुत लेट हो गया निकलते निकलते, हम लोग को निकलना सुबह सुबह को, अभी 8 बज रहा है, तो अभी निकलते हैं, देखते हैं कितना तक पहुंच पाते, थोड़ा थोड़ी बारिश भी गिर रहा है थोड़ा थोड़ा, तो देखते हैं। चलो चलो भाई लेट्स गो, हम रह चुके हैं सबके पीछे, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, और वो इधर देख सकते हो, पता नहीं बारिश आएगा तो फिर झंझट है भाई, रेनकोट निकालो क्या निकालो फिर मुश्किल है, लगता है रास्ते में बारिश मिलने वाली है पक्का भाई, क्योंकि वेदर देख सकते हो पूरा ठंडा है भाई, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, हमेशा हम लोग निकलने में लेट हो जाते हैं, बस बारिश नहीं आना चाहिए क्योंकि फिर से बाइक रुकाओ रेनकोट लगाओ झंझट है भाई बहुत, इस वजह से हम चाहते हैं कि थोड़ा दबा के निकल जाएं थोड़ी सी आगे, मुन्ना दा के वजह से हमेशा लेट होता है हम लोगों, किधर किधर चला जाता है ये आदमी, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, कुछ खाना पड़ेगा भाई अभी तो। भाई बारिश के कारण आज वीडियो भी हो नहीं रहा यार, क्या कर सकते हैं भाई, गोप्रो में पानी घुसने का चांस है क्योंकि वाटरप्रूफ नहीं है मेरा गोप्रो, और बाइक को इतना भगा भी नहीं पा रहे भाई क्योंकि वन वे है ना, कहीं ना वो देखो एक बोलेरो वाला कैसे आ रहा है, तो गाड़ी इधर से भी आती है उधर से भी आती है, कंफ्यूज हो जाते हैं बिल्कुल, तो इसलिए भगा नहीं पा रहे हम, मुझे लगता है कि रात हो जाएगा रोइंग पहुँचते पहुँचते, सर्किट हाउस में स्टे करेंगे आज रात को, और रोइंग पे जाके ऑफ रोडिंग भाई ऑफ रोडिंग, कीचड़ है भाई पूरा, गंदा हो जाएगा मेरा पैर मुझे पता है, तीन कर भी जा सकते भाई, चला ये बारिश की वजह से ना गुस्सा आता है मुझे, साला हरामी। तो भाई हम लोग आए थे अंकल के दुकान में ढाबे पे खाना खाने को, अंकल ने हम लोग एक नया चीज खिला दिया है, कहने को खा बोला गया तो अंकल आपको दिखा दियो सुन, আলু পিটিকা গম পালো ঠিক আছে।
तो पहले खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम लोग उसके बाइक पे। खाना पीना हो गया हम लोगों का भाई, और अभी निकल रहे, देखते कितना तक कवर कर पाएंगे क्योंकि बारिश गिर रहे, देख सकते। और रेनकोट मैंने लगाया था लेकिन थोड़ा छोटा हो गया मेरा, तो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो फिर खोल के रख दिया मैंने। तो अभी निकलते हैं सीधा, और GoPro से वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि बारिश हो रहा है, और मेरा GoPro वाटरप्रूफ नहीं है, तो कैरी बैग से डाल दो यार। मैंने एक कैरी बैग मांग के लिया था वहाँ से, तो उससे मैंने रख दिया इसको। इतना देर भाई बारिश था इसलिए दबा गाड़ी स्पीड चला ही नहीं पा रहे थे, तो अभी थोड़ा सा बारिश नहीं है इस साइड में, तो अभी सामने हम पहुंचने वाले हैं डिब्रूगढ़। यहाँ से आपका 200 किलोमीटर बचा है रोइंग के लिए, हम लोग पहुँचते लगभग 6-7 बज जाएगा। गूगल मैप में 4 आवर्स दिखा रहा है, लेकिन 4 आवर्स में कैसे पहुंच पाएंगे भाई, ये सिंगल वे है। अगर 4 लेन होता तो फिर हाँ कोई बात नहीं, इसमें तो इतना दबा भी नहीं पाते ना। उस साइड रोड तो है बट कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और भाई एक चीज़ मानना पड़ेगा, मैंने अभी तक पेट्रोल पंप में अपना बाइक नहीं घुसाया। उस दिन मैं निकलते वक्त तो मैंने फुल करवा दिया, अभी देख सकते अभी तक चार्ज ठीक है। यार फिर से बारिश आ गया कहाँ से, दिमाग ख़राब है यार। जब हम सोचते हैं कि थोड़ा दबा के जाएंगे तब आ जाता है बारिश, जब सोचते हैं कि फिर से थोड़ा दबाएंगे तब आ जाता है सिंगल लेन। दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है ये। अब थोड़ा सा खुला रोड मिला है तो सब दबा रहे बिल्कुल, अब दबाना भी पड़ेगा भाई क्योंकि उस साइड का रोड कैसा है क्या हम लोग को पता नहीं, रात को चलाने में थोड़ा दिक्कत आएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके हम एंटर करना चाहते हैं। अभी हम चाहते तो इनको फाड़ के जा सकते, लेकिन हम जाएंगे नहीं, बाकी ऐसा नहीं करेंगे, आराम से जाएंगे सब एक साथ। क्या हो गया भाई आप लोगों को, क्या हो गया, क्या हो गया, नींद आ गया यार। राइड करने आए सोने हैं रोड का बीच में, ये देख सकते हैं पूरा हाईवे है, ये लोग 10 मिनट रेस्ट कर लेता भाई। ठीक है जल्दी करो। हमारे खाना कैसा लगा बताओ, खाना बढ़िया था। अरे इस आदमी को तो पेशाब करेंगे अभी। डिब्रूगढ़ एंटर कर रहे हैं डिब्रूगढ़, और यहाँ पे थोड़ा सा बाइक का लिटन दा का बाइक में थोड़ा सा उसका ब्रेक शो शायद ख़त्म हो गया या क्या हो गया पता नहीं, इतना साउंड कर रहा है तो उसको चेंज करने आए। अब इधर कहीं पे है रॉयल एनफील्ड का शोरूम, उधर ही जाके बनवाएंगे। ट्रैफिक के चक्कर में फंस जाएंगे ना भाई, 10 बजे को पहुंचेंगे जाके। दिया रे नहीं, हम कंट्रोल कर लिया ना, हमको देख लेना पीछे, देखिए लग गया भाई विक्रम दा का टूट गया ये लिटन दा का, देखा इधर से लगा है ना, मार दे हमारे। कोई बात नहीं, चलो विक्रम दा आ जाओ। विक्रम दा का पिछवाड़े में मार दिया लिटन दा ने, उनका भी गलती नहीं है, सामने वाला गाड़ी इतना ब्रेक मार दिया भाई, क्या कर सकते वो, उसने भी मार दिया, सब के सब ब्रेक मार दिया। ठोक दिया बिल्कुल पीछे से जाके एकदम। अभी बैठे हुए हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, और लिटन दा और विक्रम दा का बाइक बना रहे हैं, थोड़ा ठोक दिया लिटन दा ने विक्रम दा का पिछवाड़े में, तो बना रहे दाम बैठ के चाय वाय पी लिया। अभी थोड़ी देर बाद निकलेंगे, बाइक बंद रहा है, अभी रात हो जाएगा जाते थे, आज भी लेट हो गया, यहाँ पे कम से कम लगभग 1 घंटा लॉस हो गया हमारा, जिससे हम लोग बैठे हुए इधर।
भाई हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, इतना जोर का बारिश आया, पूरा भीगे सारे के सारे सब भीग चुके हैं, और मैं भी, मेरा पेंट अब देख सकते हैं पूरा सब गीला हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग का बाइक रखा हुआ है, तो अभी हम सोचे कुछ खाते है, एक रेस्टोरेंट में आए हैं, और ये देख सकते कितना जोर बारिश गिर रहा है। अब हम क्या करें, वही सोच रहे हम क्या करें, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। मुझे लगा भाई कौन खड़ा है, डॉल है भाई, लग्जरी रेस्टोरेंट है भाई। इतनी देर रुकने के बाद भाई बारिश भी रुक चुका है, और अभी अंधेरा भी हो चुका है। अभी हम निकल रहे हैं, खाना पीना हो गया तो अभी निकल रहे हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे। यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर है रोइंग, तो देखते क्या होता है, जितना जा पाएंगे जाएंगे, और क्या कर सकते हैं भाई। भाई पूरा वो भाई खतरनाक वाला स्लिप मार रहा था, क्योंकि भाई पूरा बिल्कुल हालत ख़राब है, बिल्कुल हालत ख़राब है। इतना ठंडा लग रहा है ना, मेरा जो ग्लोव्स है ना पूरा का पूरा भीगा है, गीला है पूरा का पूरा, इतना ठंडा लग रहा है ना, और इतना हवा भी तेज़ चल रहा है, पता नहीं हम लोगों के साथ क्यों ऐसा होना था। अभी कोई बारिश का सीज़न भी नहीं है, सुबह से बारिश बारिश बारिश, आज का दिन ही ख़राब हो गया आज का। तो भाई ये देख सकते दिन भर घिसने के बाद अभी फाइनली हम बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं अरुणाचल, तो अभी वहाँ पे पास बनाएंगे। तो दिन भर घिसने के बाद फाइनली हम आके पहुंच चुके हैं अरुणाचल के बॉर्डर पे, और ये देख सकते हैं हमारे राइडर्स लोग थक चुके हैं पूरा एकदम, यहाँ पे बाइक रखे हम लोगों ने, और मुन्नादा गया हमारा ILP बनवाने, इनर लाइन पास। अभी फिर यहाँ से कितना किलोमीटर है, 23 किलोमीटर रोइंग टाउन। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली हम आके पहुंच चुके हैं रोइंग के गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस पे। सबका कपड़ा पूरा भीगा हुआ है, क्या बताया एकदम, मेरा अंदर पूरा पेंट देख सकते हैं, पूरा पेंट सब कुछ भीगा हुआ है, पूरा ग्लव्स भी पूरा भीगा हुआ है, सबके सब भीगा हुआ है, क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते। तो भाई ये हम लोगों का रूम देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है, दो बेड है, और ये बाथरूम है, सिंपल है, सर्किट हाउस का तो ऐसा ही होता है भाई, क्योंकि बहुत लोग आते हैं ना इधर। तो भाई आज का हमारा खाना पीना नहीं हुआ है, क्योंकि आज रात को हम आते आते लेट हो गए बारिश के कारण, बाइक इतना दबा भी नहीं पाया यार, पूरा रास्ता बारिश ही बारिश था। तो अभी कुछ खाने का कुछ नहीं मिला, बिस्किट केक भुजिया वगैरह मिला, सब ने मिलकर थोड़ा थोड़ा खा लिया हम लोगों ने, तो सोने जा रहे हैं, कल सुबह को डिसाइड करेंगे हम जाएंगे आने नहीं या फिर स्टे करेंगे इधर, तो कल सुबह ही मिलते हैं। आज का वीडियो इधर ही ख़त्म कर देंगे, बहुत थक चुके हैं आज का वीडियो इधर ख़त्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।